हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ न्यू कलेक्शन ट्रेंडिंग डिज़ाइन ड्रेसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सारे न्यू डिज़ाइंस मैंने खुद स्टिच किए हैं, कुछ डिज़ाइन किए हैं, लेसेस और स्टिच सब लगा के मैंने खुद डिज़ाइन किया है। देखिए आपको कैसा लगता है। आपको जो भी ड्रेस अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होती है। जो भी ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। गेट स्टार्टेड। मेरा पहला कलेक्शन डिज़ाइन ये फ्रॉक है, सिफॉन का है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। इसका अस्तर है जो अंदर का आप देख सकते हैं, शटिन है, अच्छा वर्क, अच्छा कपड़ा है, ऊपर में सिफॉन है और ये प्रिंटेड डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें ये प्लास्टिक नग जो होते हैं वो हैं और ये देखिए ये भी सिफॉन का है, घेर वगैरह, और ये भी सिफॉन है, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सिफॉन है। ये भी सारा प्रिंट है और ये चिकन वर्क की लेस है। ये फ्रॉक है चुन वाली जो अभी चल रही है और इसको पीछे भी सेम डिज़ाइन दिया हुआ है। इसकी आस्तीन फुल है, मैंने फुल ही इसको डिज़ाइन किया है। आपको स्लीवलेस रखना है या डिज़ाइनर आस्तीन बनाना है वो आप कर सकते हैं। ये इसका फ्रॉक हो गया, ये इसका दुपट्टा है, ये नेट का दुपट्टा है, बहुत बड़ा दुपट्टा है और इसका बॉर्डर दिया है चारों तरफ। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सॉफ्ट बारीक वाला नेट है और ये इसका पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। ये देखिए बहुत कम से कम आपका 2 से 4 इंच का बॉर्डर पूरा चारों उसमें दिया। देखिए कितना बड़ा दुपट्टा आप देख सकते होंगे, ये देखिए अब पूरा चारों में बॉर्डर, पूरा चारों ओर बॉर्डर करके दिया। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सूट है ये। और ये इसका शरारा, घरारा बोलेंगे इसको, शरारा नहीं, शरारा तो ऊपर से नीचे तक लूज होता है। ये देखिए इसका शरारा भी है ना, जो घरारा कितना घेर का है, पूरा सिफॉन है। अभी वैसे भी जॉर्जेट और सिफॉन बहुत ट्रेंड में है, बहुत क्वालिटी वाला कपड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। पूरा नीचे घेर में ये चिकन वर्क का लेस दिया हुआ है, पूरा प्रिंटेड है, ऑल ओवर पूरा इसमें प्लास्टिक नग चिपकाए हुए हैं और इसमें घेर जो है बहुत अच्छा है। देखिए चुन दे के दिया हुआ है, हम इसे कपड़ा लेके भी सिलते तो इतना नहीं बना पाते। फ्लिपकार्ट का डिवॉस्टरी इसका ब्रांड है। ये इसमें कई कलर आए हुए हैं, लॉन्ग फ्रॉक में भी आए हुए हैं, लेकिन मेरी शॉर्ट फ्रॉक है और ये शरारा है, ये घरारा है। ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला सूट, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको लिया था। इसका लिंक मैं अपने, ये मेरा फर्स्ट ड्रेस, ये 2019 से चल रहा है फ्रॉक, घरारा, शरारा वगैरह। ये देखिए मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मैं इसको आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। अब ये मेरा दूसरा ड्रेस है, इसे मैंने आजकल, अभी ये बहुत ट्रेंड में है, बनारसी है ये कपड़े, ये इसका जो मैंने सूट का कपड़ा लिया है ये लोकल मार्केट से लिया है और मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया है। अभी कल ही मैंने इसको स्टिच किया है, ये पोटली बटन बोलते हैं, अभी ये पूरा कंप्लीट भी नहीं है। और इसका प्राइस हर रेंज में है, जितना हल्का जितना हैवी आपको लेना है लोकल मार्केट से मिल जाएगा और जौन सा कलर आपको डिज़ाइन करना है
और कोई भी फंक्शन के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी बनारसी बहुत चल रहा है, तो मैंने इसको पूरा प्लाजो बनाया है। ये जम्फर है और ऑल ओवर, और ये इसका प्लाजो है। मैंने इसको प्लाजो के साथ डिज़ाइन किया है। आप पेंट के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कम घेर वाला प्लाजो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैंने इसमें प्लेन दुपट्टा डिज़ाइन किया है। ये अभी बहुत ट्रेंड में है, जो बहुत चमक वाले ड्रेस या पतली लड़कियां हैं उनके ऊपर में ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी मेहंदी हल्दी कोई भी फंक्शन में आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हेड ड्रेस आने वाला है जो लखनऊ का चिकन है, फेमस है ये। मेरी सिस लखनऊ में रहती हैं, मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से न्यू कलेक्शन लेके आती हूँ। ये मेरी रेडीमेड फ्रॉक है, ये देखें, ये वाइट कलर में मैंने लिया है। इसमें कलर भी मिलते हैं, रेड है, मरून है, ब्लैक है, जो भी आपको जैसे भी डिज़ाइन करना, आप इसको शरारा प्लाजो पैंट किसी में भी कैरी कर सकते हैं, जीन्स किसी भी में। ये देखिए ऑल ओवर वर्क है ये देखिए। ये मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है, ये मुझे फ्रॉक बहुत पसंद है, कली में है। ये देखिए कली में इसको दिया हुआ है और पूरा वर्क में है। मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है और वाइट कलर तो सबका फेवरेट होता है। इसको मैंने स्कर्ट के साथ कैरी किया है, ये मैंने लोकल मार्केट से स्कर्ट ख़रीदा था और मैंने इसको डिज़ाइन इसी के साथ करके पहना है। इसको जब भी पहनती हूँ, कोई फंक्शन हो या शादी पार्टी हो, इसको निकाह में वाइट ड्रेस बहुत चलता है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। पहले मैंने एक बार इसको डिज़ाइन किया था बनारसी दुपट्टे के साथ, अब ये मैंने राजस्थानी चुनरी दुपट्टे के साथ कैरी किया है। आपका पूरा ऑल ओवर वाइट ड्रेस हो, उसको किसी भी कलरफुल दुपट्टे के साथ आप कैरी कीजिए, बहुत प्यारा लगता है, यूनिक लगता है। देख रहे फ्रेंड्स कितना बारीक कितना प्यारा इसका बैक में भी और फ्रंट में भी इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ऑल ओवर वर्क है, लखनऊ का चिकन तो आप समझते हैं कितना फेमस है, कितना अच्छा लगता है देखने में। और ड्रेस है, ये भी मैंने लखनऊ से ही परचेस किया था। मैं गई थी अपनी सिस के यहाँ, तो मैं ये वाला ड्रेस लेके आई थी, जॉर्जेट में है। और ये जो वो जो तार का सीक्वेंस का काम होता है ना दुपट्टे में, आपने देखा होगा, ये ऑल ओवर वर्क है, जॉर्जेट में है, बहुत अच्छा जॉर्जेट है इसका। ये देखिए मैंने इसका स्लीव्स जिस तरीके से डिज़ाइन किया, सारा डिज़ाइन मैं करती हूँ। इस मुझे खाली ये दुपट्टा और ये शलवार ये जम्फर मिला था, इसके साथ में मुझे सलवार नहीं मिला था और ये सूट पीस मिला था। मैंने इसे पूरा डिज़ाइन किया, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, पूरा खुला हुआ दिखे, जॉर्जेट का ही दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत है। बाकी ये लेस मैंने खुद लगाई थी इसमें, इसके शरारा में मैंने यूज़ की थी, तो मैंने इसमें भी दुपट्टे में भी इसको कैरी किया। देखिए दुपट्टा में कितना अच्छा वर्क है, ये हुआ दुपट्टा और ये मुझे पीस के हिसाब से मिला था, मैंने इसको फिर अपना डिज़ाइन किया है। ये देखिए इसका पीछे में ऐसा वर्क है, इसके साथ मैंने ये लेयर, आप जानते होंगे डिज़ाइनर, ये मैंने लेयर शरारा है जो 1 2 3 4 चार लेयर का शरारा है, मैंने इसमें गोटा लगा के और इस तरीके का देखिए पीको भी कराया सारा लेयर में। ये देखिए फिर ये गोटा की लाइन दी और नीचे में ये ट्रायंगल वाली लेस दी, बहुत घेर का मैंने ये डिज़ाइन किया ये सूट के साथ में। इसमें कम से कम 3 मीटर कपड़ा, 3 से 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए हमको इसको डिज़ाइन करने के लिए। अगर आपको ये पसंद है तो आप मुझे मैं इसकी कटिंग बताऊंगी
और स्टिच करके भी दिखाऊंगी। बहुत इजी है इसको बनाना। जो जो भी फ्रेंड मेरी है या कोई न्यू मुझसे सीखना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डिज़ाइन करना बताऊंगी। ये देखिए मैंने ये सूट पीस था, मैंने इस तरीके से इसको कैरी किया, इस तरीके से डिज़ाइन किया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, अभी बहुत ट्रेंड में। इसको किसी भी कुर्ती किसी भी सूट के साथ में आप पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मेरा वीडियो अब यहीं ख़त्म होता है, और ये जो बनारसी सूट का लिंक है मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप इसी से मिलता जुलता है, इसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या ऑल ओवर बनारसी आप प्लाजो और कुर्ती बना सकते हैं, दुपट्टा प्लेन कर सकते हैं, और अगर आप ऑल ओवर नहीं बनाना चाहते हैं तो कुर्ती और दुपट्टा आप सेम कर सकते हैं, और पैंट या शलवार आप प्लेन कर सकते हैं। इसको जैसा भी आपको डिज़ाइन करना है इससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो मैं उसका लिंक दे दूंगी अपने कमेंट्स बॉक्स में, उसको आप परचेस कर सकते हैं। एक ये भी है, ये वाला भी सूट है, जो ये भी आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसे आप परचेस कर सकते हैं, और जैसा भी लॉन्ग शॉर्ट जैसा भी आपको डिज़ाइन करना है उसको आप कर लीजिएगा, लेकिन इसको आप शॉर्ट फ्रॉक बनाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा शरारे नीचे से फूला हुआ नज़र आता है। अगर आप लंबा कर देते हैं तो फिर शरारे का लुक थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसीलिए इसकी शॉर्ट ही फ्रॉक बनाइएगा आप तो अच्छा बनेगा। ये दोनों सूट आप कैरी कर सकते हैं। बाकी दो सूट मेरे लखनऊ के थे तो मैंने शॉप से लिया था, मैं बात करके फिर उसके बारे में बताऊंगी, उसको भी आपको लिंक दे दूंगी, तो आप लखनऊ से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको इसमें से मेरा कोई भी डिज़ाइन सूट अच्छा लगा है तो उसका जो भी आपको पसंद है, जौन सा भी, या शरारा या फ्रॉक या घरारा, कुछ भी आपको मेरे से सीखना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दीजिए, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी या सिखाऊंगी। ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगले हॉल तक मेरा इंतज़ार करें। बाय।